नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। बिहार में जिस तरह की सियासी उठापटक मची हुई है, सरकार बदल गई, सत्ता पलट गई, लेकिन बिहार विधानसभा के स्पीकर अब तक नहीं बदले। और आज जब बात आई सामने आकर बात करने की, तो विजय सिन्हा ने सीधा कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पूरी आस्था लोकतंत्र में है, संविधान में है। तो आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि सरकार तो उनकी नहीं है, तो वो स्पीकर कैसे रह सकते? ऐसा है गरिमा जी कि आपने कहा कि विजय सिन्हा ने कह दिया हम इस्तीफा नहीं देंगे जी, बिल्कुल। और साथ में यह भी कह दिया कि लोकतंत्र में मेरी आस्था है जी। पता नहीं कौन सी लोकतंत्र में आस्था है और कौन से संविधान में उनकी आस्था है। देखिए, ये सीना जोड़ी है और आप यह कह सकते हैं कि एक शब्द है नैतिकता जी, कि नैतिकता को उन्होंने भैंस पर बैठा कर चरने के लिए भेज दिया है। देखिए, जैसी बातें कह रहे हैं विजय सिन्हा जानते हैं कि उन्हें कुर्सी से उतरना होगा। अब वे मन से नहीं उतरे हैं तो जबरिया उतारे जाएंगे। अब लोकतंत्र में आस्था की बात कर रहे हैं, तो देखिए, जब विजय सिन्हा कुर्सी से उतरने को तैयार नहीं हैं तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी कल कहना चाहिए कि इस्तीफा तो नीतीश कुमार ने दिया था, मैंने तो दिया नहीं था जी। मैं तो डिप्टी सीएम हूँ। कल वो जाकर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो मनमोहन सिंह को कहना चाहिए था कि हम क्यों इस्तीफा दें, संसद में होंगे, ठीक है, संसद में बहस होगी। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं। 2017 में जब महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनाने को चले थे तो तेजस्वी यादव को कहना चाहिए था हम क्यों हटें, समझे ना। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं, ये गलथेथरी कर रहे हैं और जबरिया एक ऐसा दृश्य पैदा करना चाहते हैं जिससे बिहार की बदनामी होगी। अरे, आपके पास बचा क्या है? लोकतंत्र बहुमत से चलता है और कुर्सी बहुमत वाले को मिलती है। विजय सिन्हा को पता नहीं है क्या कि राज्यपाल के यहाँ जब महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश किया गया तो 164 विधायकों ने नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को समर्थन पत्र दिया, ठीक है। नीतीश कुमार उस समर्थन पत्र को लेकर गए। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 242 है, और एक मालूम है आपको खाली है, अनंत सिंह सजा याप्ता हुए, अब तो दो खाली हो गया, गोपालगंज के विधायक, उनकी भी मौत हो गई। तो 241 में 164 और 165। देखिए, बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष में सिर्फ एक पार्टी बच रही है और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो ये लोकतंत्र की बात करके लोकतंत्र का ऐसा विकृत रूप पेश करना, आप कह रहे हैं कि हम कुर्सी पर, इसका मतलब तो ये हुआ कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था ही बची रह गई कि जो आपको कहना है वो कुर्सी पर ही कहेंगे। आप कुर्सी से अलग हटकर आप नहीं कह सकते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारिया ने ठीक कहा कि आप गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, क्या आपको लगता है, विजय कुमार सिन्हा को लगता है कि कल वहाँ इतने बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग होने वाली है? नहीं होने वाली है। तो विजय कुमार सिन्हा ने नैतिकता को भैंस चराने के लिए भेज दिया। क्या परंपरा है, क्या बात कर रहे हैं वो आप देखिए, सड़क पर लड़िए, बीजेपी सड़क पर लड़ रही है, बीजेपी विपक्ष में बैठ चुकी है और बीजेपी ने मान लिया कि हमारी लड़ाई सड़क की है, लेकिन बीजेपी ने यह कौन सी रणनीति बनाई? तो कल तो यही होगा ना कि तारकिशोर प्रसाद कहेंगे, रेणु देवी कहेंगे, इस्तीफा तो नीतीश कुमार ने दिया था ना? आपके पास बहुमत, फिर तो मंत्री भी कहेंगे। हाँ, बिल्कुल, आपके पास बहुमत कहाँ है जनाब? और आप देखिए, आपको नैतिकता के आधार पर पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था जी। कल जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो किस तरीके से कार्यवाही होगी, एक अनावश्यक विवाद आपने पैदा कर दिया है। और देखिए, बिहार को लेकर ऐसे ही देखिए, ये लोकतंत्र का चीरहरण है जी, समझे ना। जहां आप बहुमत मानने को तैयार नहीं है, डेमोक्रेसी में मैंडेट ही, और डेमोक्रेसी में बहुमत ही सब कुछ होता है। विजय सिन्हा तो मैंडेट को ही नकार रहे हैं ना, जिधर बहुमत है उसको वो मना कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई, आपके मना करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, बस एक आप ऐसा सीन क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, मुझे इस बात से, देखिए एक बिहारी होने के कारण मुझे इस बात से दुख होता है कि बिहार को बदनाम करने के लिए जी, और बिहार को यह दिखाने के लिए कि बिहार में लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है। देखिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए तो हम देखिए, आपको मानना चाहिए तारकिशोर प्रसाद क्या उसके बाद अपने दफ्तर भी गए? नहीं गए। कोई भी गए क्या? रेणु देवी भी नहीं गई? नहीं।
मंगल पांडे भी नहीं गए, कोई नहीं गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं अभी तो हम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और जी अभी अभी जैसा कि हमने उनका बयान सुना, वो कह रहे हैं कि आसन की जिम्मेदारी, क्योंकि हम इसमें हैं तो हम कानून को मानते हैं, हम संविधान, वो किन जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं? अब किस आसन की बात करें, उस आसन पर बैठने के लायक अब आप रह ही नहीं गए, आपके पास बहुमत है ही नहीं। उस आसन पर बैठता वो है जिसके पास बहुमत होता है, और लोकतांत्रिक परंपरा यही है कि जैसे ही बहुमत से आप खत्म होते हैं आप इस्तीफा देते हैं। देखिए क्या होता है कि जब सरकारें बदलती हैं, जब कोई चुनाव होता है और नतीजे आते हैं, नए मुख्यमंत्री पद की शपथ होनी होती है, तब तक राज्यपाल कहते हैं कि आप कार्यवाहक व्यवस्था के तहत रहेंगे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेता है? क्या आप जान चुके हैं कि बहुमत आपके पास नहीं है, उसके बाद भी आप निर्णय ले रहे हैं और आप संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं? यह तो गजब किस्म की बात है। फिर से हम कह रहे हैं नैतिकता को भैंस पर बैठाकर चलाने के लिए भेजा जा रहा है, और यह जो कल होने जा रहा है यह बहुत ही गलत शुरुआत है, और यह दिखाता है कि आप जबरदस्ती कुर्सी पर, जब आपके साथ बहुमत नहीं है। देखिए जनता मालिक है, जनता ने विधायकों को चुनकर भेजा है, विधायक कैसे बदल जाते हैं और गठबंधनें कैसे इधर से उधर हो जाती है यह एक अलग बहस का विषय है। देखिए बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने जनादेश की चोरी की है, लेकिन महागठबंधन भी कह रहा है ना कि 2015 में नीतीश कुमार जनादेश लेकर आए थे महागठबंधन के साथ, लेकिन 2017 में जब वे एनडीए के साथ चले गए तब किसी ने नहीं कहा एनडीए के नेताओं ने कि उन्होंने महागठबंधन के जनादेश की चोरी कर ली है। तो यह बड़ा सवाल पैदा हो गया है, और इस तरीके की विकृति बिहार में, देखिए ये गंदी बात है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके से परंपराओं की शुरुआत हो रही है और कल जो दृश्य पैदा होने जा रहा है, इसका मतलब बिहार विधानसभा की कार्यवाही को डिस्टर्ब करने की पूरी तैयारी है। राज्यपाल ने कहा था कि बहुमत, देखिए कोई भी सरकार, नई सरकार बनती है तो उसे बिहार विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, और बहुमत है नीतीश कुमार के पक्ष में, एक औपचारिकता करनी है। हाँ, नहीं औपचारिकता नहीं, वो वैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है वो वैधानिक प्रक्रिया है, और उसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत, लेकिन आप कुर्सी पर कैसे बैठे रहेंगे भाई? और आप कह रहे हैं, देखिए आप कह रहे हैं कि हमें अपनी बातें रखनी है, क्या बिहार विधानसभा के भीतर जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा होगा वही सिर्फ अपनी बातें रखता है? नहीं। और अब आप क्या कहिएगा, जब सत्र, जो पिछला सत्र खत्म हुआ था उस दिन, चाहे आपके जैसे भी रिश्ते नीतीश कुमार के साथ रहे हों, लेकिन आखिरकार आप तो नीतीश कुमार की सरकार की, और बीजेपी भी नीतीश कुमार की सरकार की बड़ाई कर रही थी, नीतीश कुमार सुशासन बाबू लग रहे थे, लेकिन आज जैसे ही सत्ता बदली और सब कुछ बदला तो आपको लग रहा है कि नहीं हम जबरदस्ती कुर्सी पर, तो ये तो गलत बात है, समझे ना। और इससे सिर्फ बिहार की बदनामी होगी, यह आप लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ा नहीं रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रहे हैं, कि यह जानते हुए भी कि बहुमत आपके पास नहीं है लेकिन कुर्सी पर हम बैठना चाहते हैं, और आप यह दिखाना चाहते हैं कि आपको कुर्सी से जबरदस्ती उतारा गया। देखिए जब आप नहीं उतरेंगे तो जबरदस्ती तो उतारा ही जाएगा और वे उतार भी दिए जाएंगे। इतिहास में क्या यह पहली बार हो रहा है कि कोई इस तरह की जिद कर रहा है, कोई जबरदस्ती कुर्सी पर बैठने? नहीं, देखिए तीन बार पहले भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है जी। देखिए वो प्रक्रिया रही है, जो प्रक्रिया है, जब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होता है तो अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर विराजमान नहीं होते हैं, तब उपाध्यक्ष बैठ जाते हैं या जो सदन का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है वो बैठते हैं। लेकिन देखिए ये कह रहे हैं कि यह जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें उनके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं जी। हम इसको नियमानुकूल खारिज करते हैं। अरे आप चलिए ना, नियमानुकूल खारिज करते हैं क्या नहीं करते, पहले इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपके पास बहुमत है क्या उस कुर्सी पर बने रहने के लिए। जब बहुमत ही नहीं है, तेजस्वी यादव बिना शपथ लिए क्या बिहार के डिप्टी सीएम बन जाते? 2017 में तेजस्वी यादव कहते हैं हम डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, 2022 में तारकिशोर प्रसाद कहते हैं और रेणु देवी कहते हैं कि हम नहीं, अरे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, हमने थोड़ी इस्तीफा दिया है, ये क्या मतलब है? यह तो बहुत गंदी बात हो गई गरिमा जी। तो जिस तरह की चीजें हो रही है आपको लगता है कि कल एक हंगामे की ही तैयारी? बिल्कुल हंगामा, ये देखिए एक बिल्कुल कुछ ना कुछ सोचा गया होगा जिसके कारण बिहार बदनाम हो।
तो बिल्कुल कल का इंतजार रहेगा। जिस तरह से विजय सिन्हा ने सामने आकर साफ साफ कह दिया है कि इस्तीफा नहीं देंगे, हम प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन अभी जैसा कि आपने समझा कि कानूनी प्रक्रिया, संविधान क्या कहता है, उसके अनुसार विजय कुमार सिन्हा पता नहीं किस कानून की बात कर रहे हैं। ये देखना होगा कि कल सदन के भीतर कितना हंगामा होता है और क्या कुछ देखने को मिलता है। तब तक आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।